नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, कैबिनेट सब कमेटी ने दिए संकेत, 1,00,000 संविदा कर्मचारी होंगे स्थायी। संविदा कर्मचारी को स्थायी करने पर सरकार लेगी जल्द निर्णय, सरकार अपना वादा करेगी पूरा। यहाँ दोस्तों राजस्थान खोज खबर जयपुर की यह खबर है। राजस्थान सरकार प्रदेश के 1,00,000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का जल्द निर्णय लेगी। कैबिनेट सब कमेटी ने के अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के ने बैठक के बाद इसके संकेत दिए। जानकारी के अनुसार राजस्थान के विभिन्न विभागों में काम कर रहे 1,00,000 संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर गहलोत सरकार जल्द बड़ा निर्णय ले सकती है। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने इसके संकेत दिए कि सरकार विभिन्न विभागों में लगे संविदा कर्मचारियों की पूरी जानकारी मिलने पर संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेगी। अभी भी विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए ठोस कदम उठाएगी और जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि समिति की अभी तक 4 बैठकें हो चुकी है और लेकिन विभागों से संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिसमें 7 दिन के भीतर जानकारी देने के निर्देश भी दिए। और कल दोस्तों फिर से बैठक हुई जिसमें 15% मानदेय बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।